हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम वाइब्स। आज मैं बात करूंगी नेक फैट के बारे में। अगर आपके नेक एरिया पे फैट जमा होने लगता है और वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसे हम कहते हैं नेक फैट और नेक हम्प। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप बैकलेस पहनते हो या फिर आपके बाल अगर ऊपर करके बांधते हो तो आपके नेक एरिया जो है दिखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो आप नेक फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इसके लिए मैं 4 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी इस वीडियो में, और मैं बताऊंगी कि नेक फैट का रीजन क्या है। सो विदाउट एनी स्किप आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहिए। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेट बैठिए और शोल्डर को एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, बैक स्ट्रेट, और अपने गर्दन को घुमाइए पीछे की तरफ, जितना हो सके पीछे ले जाइए। चिन को ऊपर की तरफ लेते जाइए और फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लेते आइए और कॉलर बोन एरिया पे टच कीजिए।
भी चार बार। मेक फैट का मेन जो रीजन है वो है वेट गेन। अगर आप वेट गेन कर लेते हो तब आपके नेक फैट के प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड रीजन है हेरिडिटी और थर्ड रीजन है योर सिटिंग पोस्चर, यानी कि अगर आपके बैठने का तरीका गलत है तो आपको नेक फैट के प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत से लोग जो है इस तरह से झुक के बैठते हैं या फिर बहुत अजीब अजीब तरीके से बैठते हैं तो चांसेस रह जाता है कि नेक फैट होने का। तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके इस तरह से स्ट्रेट बैठने की, आपके बैक को स्ट्रेट करके बैठने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ मैंने जो एक्सरसाइजेस बताई है उसे भी आप फॉलो कीजिए रेगुलर। आपको मॉर्निंग में सारी एक्सरसाइज डेली करना है खाली पेट, और एक हफ्ते के अंदर आप फर्क खुद देख पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत जल्द मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड